देखिए, अभी अभी का जो वर्तमान मुद्दा है वो तो JSSC का जो वर्तमान में जो पेपर लीक का जो मामला आया था उस पर हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन अगर आप एक शुरू से ही देखिएगा तो इस सरकार के द्वारा लिया गया हर एक एग्ज़ाम जो है उसमें पारदर्शिता की एकदम से कमी है। अगर शुरुआत में हम JPSC से लेते हैं जिसमें सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो मेरिट लिस्ट बनाया गया उसका मार्कशीट अभी तक जारी नहीं हुआ है। ऐसा सरकार किस लिए कर रही है, आयोग किस लिए किया? वो इसलिए क्योंकि लिखित परीक्षा में जो नंबर है और इंटरव्यू में जो नंबर है वो किस अभ्यर्थी का कितना कितना आया ये पता नहीं चलेगा, और उसी के आधार पर अगर बिना मार्क्स जारी किए अगर उसको मेरिट लिस्ट घोषित किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें आयोग या तो सरकार की ये मंशा है कि जिस अभ्यर्थी का वो सिलेक्शन कराना चाहते हैं उसी का सिलेक्शन होगा। क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और मार्कशीट जारी किया जाता है तो जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उस पर आप एक बारीक चीज़ देख सकते हैं कि लिखित में लगभग लोगों का जो है कि एवरेज मार्किंग होगा, और इंटरव्यू में जिसका सिलेक्शन होना हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देकर उसको पास किया जाए। दूसरी बात है, इसके बाद में जब असिस्टेंट प्रोफेसर के जब JPSC के माध्यम से जब उसका सिलेक्शन हुआ, उसकी नियुक्ति हुई, तो उसमें भी क्या किया गया कि आप जो है उसमें एक API स्कोर बनाया जाता है जिसमें मैट्रिक से लेकर के अलग अलग मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, MA, PhD ये सारे जो जो डिग्रियां हैं उसके अंक जोड़े जाते हैं और उसके आधार से पॉइंट्स डिसाइड किया जाता है। तो आयोग जो इसमें क्या की कि आप जो है हर एक अभ्यर्थी का एक API स्कोर डेवलप किया जाता है, वो API स्कोर पब्लिक डोमेन में डाला तो गया लेकिन इस तरीके से डाला गया कि कोई भी अभ्यर्थी जो है अपना जो कम्पिटिटिव या अपनी जो अपना जो कम्पिटिटर है उसका API स्कोर नहीं देख सकता है। आप अपने स्तर से अपना यूजर ID डालिए, पासवर्ड डालिए और अपना मार्क्स देखिए और खुश हो जाइए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को उसमें अगर नंबर बढ़ाना हो या कम करना हो तो ये काम वहाँ पर उसके लिए खिड़की खोली रखी गई थी। खिड़की इस तरीके से खोली गई थी कि उस पर जो है कि अपना नंबर अगर ये करना है तो जो एक्सपीरियंस से जो API स्कोर जो डेवलप होता है और साथ ही साथ जो आपका पब्लिकेशन का नंबर है उसका बाद में भी उसको दावा कर सकते थे, उसको जोड़ सकते थे या उसके लिए आयोग पे जो भी प्रक्रिया के माध्यम से आप अपना अंक जुड़वा सकते थे। तो इस पे ये है कि बहुत बार इस पे ये देखा गया कि जो झारखंड का जो JPSC जो है ये आयोग क्या की है कि जिसका जो UGC का गाइडलाइंस है जिसमें कि उसमें UGC कहती है कि जो UGC केयर लिस्ट में है लेके हम लोग आपके समक्ष हैं। सर्वप्रथम अल्प समय में कार्यालय में आप लोगों की उपस्थिति के लिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे आजसू पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव अली भैया, साथ में पार्टी के केंद्रीय सचिव सचिन भगत जी, वरीय साथी जब्बार जी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल झारखंड छात्र संघ के ओम वर्मा जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में राज्य के युवाओं में अपने भविष्य को लेके काफ़ी अनिश्चितता है। कई एग्ज़ाम वो लोग फेज कर रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम एक मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। परीक्षा हो रही है तो कभी रद्द हो रही है, कभी विभिन्न वजहों से उनके भविष्य पे जो अंधकारमय साया है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसी को लेके हम लोग आपके बीच आए हैं। पार्टी ने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं, उस कार्यक्रम को हम लोग आपके समक्ष रखेंगे। उसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई अली जी अब बातों को विस्तार से रखें। किया गया था लेकिन आपको मालूम होगा कि जो अभ्यर्थी थे, जो प्रशिक्षार्थी थे, परीक्षा सेंटर में जाने से पहले जो है क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, और केवल क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ, क्वेश्चन के साथ जो है आंसर की भी जो है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। इसका विरोध जो है आसू पार्टी की तरफ से भी किया गया, कई जन संगठनों की तरफ से भी किया गया। आनन फानन में कर्मचारी चयन आयोग ने शाम में केवल पेपर 3 को रद्द किया 28 जनवरी को, और फिर और बाद में जो विरोध हुआ उसके बाद 4 जनवरी के परीक्षा को भी स्थगित किया गया।
हमारे आसू पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र पर इस मामला को जो है गंभीरपूर्ण मामला को गंभीरता से उठाया और इसकी जांच की मांग की, दोषियों पर कार्रवाई का मांग किया गया। लेकिन सरकार जो है दोषियों को बचाने के लिए एक सदस्यीय SIT का गठन किया है, उस एक सदस्यीय SIT से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये जो धांधली का जो मामला है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक का जो मामला है, ये केवल झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके तार जो है पड़ोसी राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। इसमें कई बड़े रैकेट शामिल हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, बड़े बड़े सरकार के लोग भी इसमें शामिल हैं। इसीलिए हम लोग इस पूरे परीक्षा प्रक्रिया की जाँच जो है CBI से कराना चाहते हैं, क्योंकि ये झारखंडी अभ्यर्थियों का अधिकार का मामला है, उनके सम्मान का मामला है, उनके रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। जिस प्रकार रोजगार को छीनने की साजिश की जा रही है और बड़े बड़े रैकेट जो है, अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा में ये मामला उठाया गया रांची के सांसद के द्वारा, उन्होंने स्पष्ट बताया कि एक एक सीट को जो है 15 से 25 लाख और 30 लाख में बेचने का साजिश रचा गया था। आप देखे होंगे कि रिंग रोड में, रांची के रिंग रोड में बड़ा बड़ा रैकेट इस पर काम कर रहा था। तो हम लोगों का ये मानना है कि SIT से ये मामला हल नहीं होना है, इसकी जांच CBI से होनी चाहिए। और CBI से जांच होने के साथ साथ ये भी एक मामला है कि जो अभ्यर्थी, जो छात्र प्रतिनिधि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तानाशाही रवैये के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से था, उस पर लाठीचार्ज किया गया, इससे भी सरकार और अधिकारी नहीं रुके कर्मचारी चयन आयोग के। उन लोगों के ऊपर जो है गलत तरीके से, मनमानी तरीके से जो है FIR किया गया। FIR जो है एजेंसी पर होना चाहिए, जो एजेंसी परीक्षा का को कंडक्ट किया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और कार्रवाई जो है अभ्यर्थियों पर, आवाजों को उठाने वाले, अधिकारों का सवाल खड़ा करने वाले युवाओं पर किया जा रहा है, तो उसका हम लोग निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उस प्राथमिकी को तुरंत हटाया जाए। और साथ ही साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और जो भी अधिकारी हैं, अध्यक्ष के सहित सचिव, एग्जामिनेशन कंट्रोलर और जो भी हैं, उन सब पर प्राथमिकी दर्ज हो, उनको जो है तुरंत बर्खास्त किया जाए। और जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है उसको तुरंत जो है ब्लैक लिस्टेड किया जाए, और उस पर जो झारखंड सरकार ने प्रश्न पत्र लीक कानून बनाया है उसके तहत जो है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन सारे सवालों को लेकर हम लोग जो है लगातार चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हम लोगों का जो पहला आंदोलन है वो 12 फरवरी को है, जहां पर हम लोग कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रों के बीच जाएंगे, क्योंकि ये उन्हीं की लड़ाई है, उनका अधिकार और न्याय का सवाल है। छात्रों के बीच में जाके हम लोग सिग्नेचर कैंपेन करेंगे और आंदोलन में शामिल होने का उनसे आह्वान करेंगे। उसके बाद हम लोग 13 तारीख को पूरे राज्य में जिलावार संध्या शाम में मशाल जुलूस निकालेंगे, और मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को कहेंगे कि तुरंत आप निर्णय लो, तुरंत जो है CBI जांच का आदेश दो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 15 तारीख को हम लोग सभी जिला के उपायुक्त को माननीय मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र देंगे, और फिर भी कार्रवाई अगर नहीं होता है तो राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन जो है महामहिम राज्यपाल राजभवन के समक्ष जो है विशाल प्रदर्शन इस मांग को लेकर किया जाएगा। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती एडमिशन फी। साथ ही साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी, यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड, धनबाद। एडमिशन ओपन। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।